हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम हितेश शर्मा है। मैं एक इंटरनेशनल मॉडल, मूवी एक्टर, ब्लैक बेल्ट इन कराटे एंड थिएटर डायरेक्टर हूं। आप जानते हैं, आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे कि मैं कोरोना के दौरान में मोटिवेशन के ऊपर बना रहा हूं। तो अभी मोटिवेशन को एक नया रंग और एक नया रूप देने के नाते अब मैंने एक नया सिलसिला जारी किया है कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ सीखे और उसको अपने जीवन पे उतारे। तो चलिए, आज इसी कड़ी को जारी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हैंडसम वर्सेटाइल एक्टर, डैशिंग स्टार, और जहां पे वर्ड्स भी खत्म हो जाते हैं, ऐसे स्टार की मैं बात करना जा रहा हूं, टॉम क्रूज की बात। इनका नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है आज की डेट में। तो मैंने सोचा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे स्टार की कहानी से कि जिससे आपको बहुत कुछ प्रोत्साहन मिले। और इसको बनाने का इनके बर्थडे के ऊपर मेरा एक ही उद्देश्य था कि आने वाले जितने भी अपकमिंग स्टार्स हैं वो इनकी जीवनी से कुछ सीख सके। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं सबसे पहले कि इनको दीर्घायु दे और सर को इसी तरह से स्मार्ट और फिट बनाए रहें कि ये हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हैंडसम एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर एंड प्रोड्यूसर टॉम क्रूज की कहानी। दोस्तों, टॉम क्रूज का जन्म सायराकोस न्यूयॉर्क में 3 जुलाई 1962 को हुआ। टॉम क्रूज का असली नाम थॉमस मापुदर क्रूज फोर्थ था, जिसको बाद में बदलकर टॉम क्रूज किया गया। यह नाम इनको अपने फादर की वजह से मिला, जिनका नाम थॉमस मापुदर क्रूज थ्री था। इनकी मां का नाम ली मैरी था, जो प्रोफेशन से एक अध्यापिका थी। इनके फादर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। दोस्तों, एक चीज यहां पे हमें समझनी पड़ेगी कि इनके फादर ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और बचपन में टॉम क्रूज की अपने फादर से बिल्कुल नहीं बनती थी। इनके बहुत ज्यादा क्लैशेस रहते थे क्योंकि इनकी जरा सी गलती के ऊपर भी वो इन्हें मार दिया करते थे। 1971 में जब कनाडा से ये शिफ्ट हुए, क्योंकि इनके फादर की जॉब चेंज हुई, तो ये ओटावा में जाके रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जब ये शायद 6th स्टैंडर्ड में रहे, तो इनकी मदर ने इनके फादर से डाइवर्स ले लिया और इनको और इनकी तीन बहनों को लेके उन्होंने दूसरे पर्सन से शादी कर ली। अब एक चीज और आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि टॉम क्रूज का जो बचपन है वो बड़ा ही विचित्र सा रहा। मतलब पैसा रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं था इनके पास और कैथोलिक चर्च से इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन था। ये बचपन में प्रीस्ट बनना चाहते थे और बचपन के अंदर कनाडा और न्यूयॉर्क में मिला के इन्होंने कम से कम 14 से 15 स्कूल बदले हैं। जब ये स्कूल में पहुंचे और थोड़े और बड़े होने लगे तो इनका फुटबॉल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फुटबॉल में इंटरेस्ट डेवलप होने के नाते जब इन्होंने वहां से खेलना शुरू किया तो ये एक लाइन मेकर की तरह वहां पे खेलते थे। लेकिन एक बार कुछ शरारती दोस्तों के साथ मिलकर बियर पीने की वजह से इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया। तो इनका फुटबॉल का शौक भी वहीं खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हमें देखने वाली बात यह है कि जब ये 18 साल के हुए तो इनका ध्यान एक्टिंग की तरफ आकर्षित हुआ। तो अब इनको एक टारगेट सेट हो गया मन में कि मुझे एक्टर बनना है। प्रीस्ट वाली बात भी इनके दिमाग से निकल गई, फुटबॉल वाली बात भी इनके दिमाग से निकल गई, अब ये एक स्टार बनना चाहते थे। लेकिन 1980 के अंदर इन्होंने काफी सारे ऑडिशन दिए लेकिन इनको रिजेक्शन ही मिला। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज हम जिसको वर्ल्ड का नंबर वन हैंडसम स्टार बता रहे हैं, सक्सेस जिसके लिए शब्द ही छोटा पड़ जाता है, ऐसे पर्सन ने भी अपने स्ट्रगल के दौर में बहुत मेहनत की और मेहनत के साथ साथ उसे रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। और ये जो रिजेक्शंस होते हैं ये ही हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। रिजेक्शन से बड़ा टीचर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जितने आपको रिजेक्शंस मिलेंगे उतने ही आपको सीखने के लिए आप प्रेरित होते हैं। तो चलिए, इन सब के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, इनके फिल्मी बिजनेस की बात। तो अगर हम इनके फिल्मी करियर की बात करें तो 1981 के अंदर इन्होंने पहली पिक्चर की जिसका नाम था एंडलेस लव। एक चीज यहां पे मुझे स्वामी विवेकानंद की याद आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर जूते काटने का भी काम करना है तो उसे बहुत एफिशिएंसी से करना। टॉम क्रूज को 1981 के अंदर ये एंडलेस लव के अंदर बहुत ही छोटा सा करेक्टर मिला, लेकिन इन्होंने इतना बखूबी उसको निभाया कि लोगों ने इन्हें बहुत प्रोत्साहित किया उसके लिए। उसके बाद इनकी एक मूवी आई ट्रैप 1981 में,
उसके बाद जो इनको कहें कि अगर एक स्टार की तरह से लोगों ने लिया, तो वो आई इनकी मूवी 1983 में, जिसका नाम था रिस्की बिजनेस। रिस्की बिजनेस एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी कह सकते हैं जिसने इनको स्टार बनाया। लेकिन अगर हम बात करें इनके सुपरस्टार बनने की, तो वो बनाया इनकी 1986 में आई मूवी टॉप गन ने। टॉप गन ने कमर्शियली भी बहुत सक्सेस हासिल करी और इनका स्टारडम जो है वो सुपरस्टार की कैटेगरी में आ गया। 1987 में इनका अफेयर स्टार्ट हुआ एक अभिनेत्री के साथ जिनका नाम मैरी जॉगल्स है। 1987 से 1990 तक इनका रिलेशन बहुत अच्छा चला और 1990 में कुछ पर्सनल कारणों की वजह से इनका डाइवर्स हो गया। लेकिन साथ में आप एक चीज देखिए, 1988 में इनका फिल्मी करियर जो था उसके अंदर इन्होंने एक मूवी की द रेन। द रेन को दुनिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड, आप जिसको कह सकते हैं अकेडमी अवार्ड मिला, और टॉम क्रूज को उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। 1989 की अगर हम बात करें तो इनकी एक मूवी आई जो बहुत ही चर्चित हुई उस टाइम पे, जुलाई। जुलाई के अंदर इनको गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला और अकेडमी अवार्ड के लिए इनका नॉमिनेशन हुआ। अब धीरे धीरे जब ये इनका सिलसिला चलता रहा तो हम आगे की बात करते हैं, तो एक मूवी आई इनकी जेरी मैक्यूब। जेरी मैक्यूब के अंदर भी सेम हुआ कि इन्हें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया और अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ। और इसके बाद एक इनकी मूवी आई आइस वाइल्ड शट। आइस वाइल्ड शट में भी सेम सिलसिला जारी रहा कि इन्हें अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया। अब एक चीज हम यहां पे देख रहे हैं कि इनका सिलसिला कितना अच्छे से चल रहा है, हमेशा अच्छी मूवीज किस तरह से ये काम कर रहे हैं। 1996 में इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम आप बोल सकते हैं क्या था, मिशन इम्पॉसिबल। अगर टॉम क्रूज को पहचाना जाता है तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के लिए पहचाना जाता है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के लिए पहचाना जाता है। और अगर मैं एक थोड़ा सा पीछे और जाना चाहूंगा तो 1990 में एक इनकी और भी बहुत सुपरहिट मूवी आई थी, डेज ऑफ थंडर। डेज ऑफ थंडर भी एक बहुत ही प्रचलित मूवी है। और 1990 में इनका अफेयर चला, अपनी अभिनेत्री थी एक इनके साथ जो को स्टार आप कह सकते हैं, निकोल किडमैन के साथ। ये अफेयर इनका 1990 से लेके 2001 तक चला। इन्होंने इसी दौरान में दो बच्चों को गोद भी लिया जिनका नाम है जीन एंड कोरोनर एंथनी। 2001 में डाइवर्स हुआ इनका और इसी के साथ सिलसिला कुछ ऐसे चलता रहा कि ये सब कुछ चलने के बावजूद इन्होंने अपने करियर को कभी भी खराब नहीं होने दिया। 2001 के अंदर इनकी एक मूवी आई द वनीला स्काई, जिसमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया। 2002 में आई इनकी माइनॉरिटी रिपोर्ट। 2003 की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी रिपोर्ट के बाद इनकी एक है, 2001 के अंदर आई इनकी वनीला स्काई, वेरी सॉरी, एंड 2002 के अंदर आई इनकी माइनॉरिटी रिपोर्ट और 2003 के अंदर आई द लास्ट समुराई। अगर आपको एक्सप्रेशन सीखने हैं, कहते हैं ना कि एक्टिंग के अंदर 9 इमोशंस हैं, 21 एटीट्यूड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इंप्रेशंस हैं, तो एक्सप्रेशन और इंप्रेशन अगर टॉम क्रूज के देखने तो आप लास्ट समुराई को देखिए, क्या एक्सप्रेशंस किए हैं टॉम क्रूज ने उसके अंदर। और अगर आप स्टंट सीखना चाहते हैं टॉम क्रूज से तो मिशन इम्पॉसिबल देखिए। तो मिशन इम्पॉसिबल का सिलसिला इसी तरह चला कि 96 में फर्स्ट पार्ट आया, फिर 2000 में आया, फिर अभी लेटेस्ट उनका जो एक आके चुका है अभी 2018 में मिशन इम्पॉसिबल आया है। 2017 में आई थी एक मूवी उनकी द मम्मी। द मम्मी भी एक ग्रेट हिट है ने आपने। तो इसी तरह इनका अगर हम देखें तो इस 10 से 12 साल में कम से कम 100 मिलियन से ज्यादा इनकी मूवीज ने कमाई की। और आज अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको अचंभा होगा कि टॉम क्रूज वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर हैं, जिनकी नेटवर्थ है 570 मिलियन डॉलर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारे इंडिया के शाहरुख खान, जिनकी नेटवर्थ 600 मिलियन डॉलर्स है। तो यहां पे अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि टॉम क्रूज ने जिंदगी के अंदर उन सभी ऊंचाइयों को सोचा, चाहे वो पैसे की फॉर्म में कहें, चाहे हम एक्टिंग की फॉर्म में कहें, चाहे लुक्स की फॉर्म में कहें। तो टॉम क्रूज अपने आप में एक एक्टर एक छोटा वर्ड होगा, ये प्रोडक्शन में भी गए, ये एक्टिंग में भी गए, लुक्स में भी गए, स्टंट में भी गए, तो ये अपने आप में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। अगर मेरी बताई हुई मूवीज को आने वाले यंगस्टर्स स्पेशली जो हमारे मूवीज के बहुत शौकीन है, एक्टर बनना चाहते हैं या इस ग्लैमर की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं वेब सीरीज में या व्हाट्सएवर, तो उन्हें टॉम क्रूज की इन मूवीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इससे वो एक्सप्रेशन सीखेंगे,
एक्टिंग सीखेंगे, इमोशन सीखेंगे। और मैं सेकंड पार्ट एक लाऊंगा टॉम क्रूज का, उसके अंदर इनकी जितनी भी मूवीज हैं उनके अंदर जो इनके बेस्ट इमोशंस, बेस्ट स्टंट, उन सबको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। जो इससे बड़ा पार्ट होगा, ये तो एक इंट्रोडक्टरी राउंड है आज जो हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि रियल टॉम क्रूज है क्या और रियल टॉम क्रूज को किस वजह से जाना जाता है। मैं इतनी कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं टॉम क्रूज का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूं। बचपन में लोग बॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं, लेकिन मैं टॉम क्रूज की पिक्चर देखता था और टॉम क्रूज की पिक्चर्स मैंने मोस्टली देखी है, मैं समझता हूँ 85-90%। तो उसके ऊपर हम कवरेज लेंगे। तो दोस्तों मैं सोचता हूं कि सेकंड पार्ट के अंदर हम यहां पे आएंगे। तो मैं एक चीज अब बताना चाहूंगा लास्ट में कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य क्या था। मेरे दो उद्देश्य मेन थे कि एक तो इतने बड़े स्टार की कहानी पूरी दुनिया के सामने पहुंचे, और दूसरा इस वीडियो से जो मूवीज के अंदर आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में है, बिजनेस में जाना चाहते हैं या पढ़ाई में जाना चाहते हैं, कहीं पे भी अगर हम ऐसे पर्सन को अपना रोल मॉडल रखें जो हाईली सक्सेसफुल है, तो उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ते हैं तो हम भी धीरे धीरे सक्सेस होने लग जाते हैं, हम भी इंस्पायर होते हैं उनकी तरफ। तो आपको इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और इनसे सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें। और सेकंड वीडियो के साथ हम आपके साथ अवेलेबल होंगे। मैं हितेश शर्मा शाइनिंग स्टार डांस अकेडमी की तरफ से, और गौरव हमारे डांस कोरियोग्राफर हैं, और इस वीडियो को बनाने में हम आपको हेल्प कर रहे हैं मिस्टर प्रतीक सक्सेना जो एक डिवोशनल सिंगर हैं, और हमारी टेक्निकल टीम में है मिस्टर अमित सोनी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आपको क्रिएटिव आर्ट में आना है तो मैं आपको नंबर देता हूं। मिस्टर प्रतीक हमारा ये सारा बिजनेस देखते हैं, तो मैं आपको इनका नंबर देता हूं 9212361136।